हेलो गाइस, तो हम लोगों ने लास्ट बूस्टर लेक्चर में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिग्निफिकेंस ऑफ परमिटिविटी और प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो चार्ज दिया हुआ होता है और उसे फिक्स्ड मानते हैं। तो वो दो चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 एंड Q2, दे आर एट सम डिस्टेंस R। और आगे इस क्वेश्चन में दिया होता है कि इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में कहीं एक दूसरा चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q। ये चार्ज इस तरीके से रखा हुआ होता है कि ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q इज जीरो। तो गाइस, इसमें पता करना है कि ये चार्ज स्मॉल q इस Q1 से कितने डिस्टेंस पे है, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस x। तो गाइज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्मॉल चार्ज q पे फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2। तो गाइज, Q1 के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा और वो राइटवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा होगा। कंसीडरिंग ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड लेट्स से दिस फोर्स इज F1, और Q2 के कारण जो फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव होगा और वो एक्ट करेगा लेफ्टवर्ड। लेट्स से दिस फोर्स इज F2। गाइज, अब हम F1 और F2 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो गाइज, F1 होगा KQ1 स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि Q1 और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। इसी तरीके से हम लोग F2 का भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और F2 लिखा जाएगा KQ2 इंटू q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। जो चार्ज का पेयर है अभी F2 के लिए वो स्मॉल q और Q2 है, इसीलिए Q2 इंटू स्मॉल q। और Q2 और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r माइनस x है, इसलिए यहाँ पे F2 को लिखा गया है KQ2 इंटू स्मॉल q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। गाइज, सिंस ये स्मॉल चार्ज q इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब F2 और F1 आपस में बराबर होगा, मतलब F2 को F1 बैलेंस कर रहा होगा, तो इस पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू F2, इसका मतलब हो गया कि Q1 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू KQ2 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गाइज, यहाँ पर K से K को कैंसिल कर देंगे, स्मॉल q दोनों साइड है वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो क्वांटिटी है Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग Q1 को इस क्वांटिटी से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और Q2 को इस क्वांटिटी से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। तो हम लोग वो काम ना करके यहाँ पे एक दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन के दोनों ही साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा गाइस, यहाँ पे सिंपली हमारे पास रूट Q1 अपॉन x और यहाँ पर रूट Q2 अपॉन r माइनस x। ऐसा करने से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन होगा, और फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। गाइज, इसके बाद x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x को कॉमन ले लेंगे और फिर इस तरीके से हमारा x निकल आएगा। तो गाइज, ये हो गया हमारा x का वैल्यू जहाँ पर हमारा चार्ज स्मॉल q इक्विलिब्रियम पे होगा। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि ये जो x डिस्टेंस है ये किसके क्लोज होगा, Q1 के क्लोज होगा या Q2 के क्लोज होगा। तो गाइज, ये स्मॉल चार्ज q उसके क्लोज होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा। लाइक अगर Q1 Q2 से स्मॉल है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये स्मॉल q इस Q1 के पास होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम है तो इसका डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, सो दैट जो F1 का फोर्स है वो F2 के फोर्स को बैलेंस कर सके। तो गाइज, ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये चार्ज q स्मॉल q उसके क्लोज होगा ज़्यादा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। कम मैग्नीट्यूड होने के कारण चार्ज का
डिस्टेंस भी जब कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा मिलेगा और ये इस चार्ज के फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, मतलब F2 को बैलेंस कर पाएगा। गाइस अब हम लोग अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में क्या होता है कि मेरे पास तीन चार्ज पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, इन तीनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेम रखा जाता है और ए पॉइंट ए पर जो चार्ज है उस पर हमें नेट फोर्स निकालना होता है कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा। इसका जो साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ सब बराबर ही है, एल एल और एल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे तीन इक्वल चार्जेस रखे हैं, क्यू क्यू और क्यू, और इनमें से किसी भी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालने को कहा जाता है। तो गाइस ए पर बी के कारण जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, एफ ऑन ए ड्यू टू बी, और ए पर जो सी के कारण लगेगा वो भी रेडियली आउटवर्ड लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। गाइस अब हम लोग दोनों ही फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, एफ ए बी इक्वल्स टू दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। उसी तरीके से फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी लिखेंगे और वो भी सेम मैग्नीट्यूड वाइज आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। गाइस इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से ये क्लियर है कि दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। चूंकि ये ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल है इसीलिए ये एंगल 60 डिग्री होगा और वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। गाइस जैसा कि हम लोगों को पता है कि कभी भी कोई दो फोर्स अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा होता है तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों ही फोर्स के बीच में आता है, तो यहाँ पर भी हम लोग एफ ए बी और एफ ए सी का फोर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे और वो इन दोनों के बीच में होगा, और इस फोर्स का नाम, इस रिजल्टेंट फोर्स का नाम हम सिंपली एफ ए देते हैं। ये एफ ए रिजल्टेंट है एफ ए बी का और एफ ए सी का। सो एफ ए इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस एट ए। गाइस इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में हम लोग देख चुके हैं कि एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी मैग्नीट्यूड वाइज, तो इन दोनों ही फोर्स को हम फिलहाल अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपली एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स एफ ए होगा वो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, मीन्स एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। तो गाइस जो रिजल्टेंट होगा एफ ए वो होगा रूट अंडर एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस टू एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो हम लोग कॉस थीटा के जगह पे कॉस 60 भी लिख सकते हैं और एफ ए बी और एफ ए सी के जगह पे सिंपली एफ लिख सकते हैं। गाइस इसको आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर f a इक्वल्स टू अंडर रूट 3f स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे हम लोग f को बाहर ले आते हैं रूट के, f रूट 3। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q प्लेस एट पॉइंट a। गाइस जैसा कि हम सभी को पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, यहाँ पर तो हमने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया एफ ए इक्वल टू रूट 3f, यहाँ पे हम लोग चाहे तो f का वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो दिस इज f a, सो हियर इट इज f a k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर रूट 3। तो गाइस ये तो मैग्नीट्यूड हो गया हमारा, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा, ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है वो भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल है इसको पता करना, आइए हम लोग देखते हैं। तो गाइज इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में हमने ये देखा है कि दोनों ही फोर्स एफ ए बी और एफ ए सी का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब मैग्नीट्यूड सेम होता है दो फोर्सेस का तो जो रिजल्टेंट है वो उसके डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होता है। तो यहाँ पे गाइज इन दोनों ही फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है और 60 डिग्री का जो हाफ होगा वो 30 डिग्री होगा, दैट मीन्स दिस एफ ए विल एक्ट एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम एफ ए बी और यू कैन से फ्रॉम एफ ए सी। तो गाइज यहाँ पे जो तीनों चार्ज हमने लिया था वो सेम मैग्नीट्यूड का इसलिए ही लिया था कि यहाँ पर जो एफ ए बी है और एफ ए सी है इसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर आए। अगर ये दोनों चार्ज बी पे रखा हुआ चार्ज क्यू और सी पे रखा हुआ चार्ज क्यू ये दोनों अगर अलग अलग होता तो ए पे रखा हुआ जो चार्ज है उस पर फिर फोर्स एफ ए बी अलग आता और एफ ए सी अलग आता, तो जब ये दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता तो फिर हम इसके रिजल्टेंट को सीधा एंगल बाइसेक्टर पे नहीं दिखा सकते थे, उसके लिए फिर हमें एक और फॉर्मूला है एंगल पता करने का,
वो यूज करना होता। चलिए उस फॉर्मूला को भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अगर इन केस एफ ए बी और एफ ए सी अलग अलग मैग्नीट्यूड का हो तो फिर हम लोग उसका एंगल कैसे निकालेंगे। तो गाइज उसके लिए फॉर्मूला है टैन अल्फा, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। तो गाइज यहाँ पर टैन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ए बी साइन थीटा बाई एफ ए सी प्लस एफ ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री हम लोग रखेंगे। और फिर इस तरीके से हम लोग ये एंगल यहाँ पे जो भी होगा एफ ए और एफ ए सी का वो निकाल सकते हैं। बेसिकली ये चीज हम लोगों को वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे बस हमने रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। तो गाइज ये हो गया हमारा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे बेस्ड। आगे चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे बेस्ड करेंगे। गाइज यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर के शेप में स्ट्रक्चर लेते हैं जिसके वर्टिसेस पे हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, लेट्स से क्यू 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 एंड क्यू। इनका जो साइड लेंथ है वो ए है, द वर्टेक्स आर ए बी सी एंड डी। फ्रेंड्स इसमें वर्टेक्स सी पे रखा हुआ जो चार्ज है उस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो सिंस ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के चार वर्टिसेस होते हैं, तो चार में से तीन जो चार्जेस हैं, तीन वर्टेक्स पर जो रखे हुए चार्जेस हैं उसके कारण इस पे फोर्स हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले बी पे रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये सेम नेचर, सिंस ये सेम नेचर का चार्ज है इसलिए ये फोर्स रिपल्सिव होगा और दिस इज एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। उसी तरीके से डी पे रखे हुए चार्ज क्यू के कारण इस पे हम लोग फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी रिपल्सिव होगा एफ सी डी। और फिर ए पे रखे हुए चार्ज के कारण सी पे जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ सी ए। गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सी पे जो रखा हुआ चार्ज क्यू है इस पे तीन डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, एक एफ सी बी, एफ सी ए और एफ सी डी। एफ सी बी फोर्स है बी पे रखे हुए चार्ज क्यू के कारण, एफ सी ए फोर्स है ए पे रखे हुए चार्ज के कारण और एफ सी डी फोर्स है डी पे रखे हुए फोर्स चार्ज के कारण। फ्रेंड्स तीन फोर्सेस इस चार्ज पे लग रहा है तो हमें नेट रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस रह के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से इसका आंसर हम निकाल पाएंगे, अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एफ सी बी और एफ सी डी का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का ये दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए उसको देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग एफ सी बी निकालते हैं, सो इट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। और फिर हम लोग एफ सी डी निकालते हैं। तो गाइस इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से ये साफ क्लियर होता है कि एफ सी बी और एफ सी डी दोनों ही आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। और जैसा कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो उन दोनों ही फोर्सेस के एंगल बाइसेक्टर पे होता है, वैसा ही यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो गाइज ये जो फोर्स है एफ सी बी और एफ सी डी इसके बीच का जो टोटल एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच में आएगा एट 45 डिग्री। इसका नाम हम लोग देते हैं एफ बी डी। तो गाइज यहाँ पे इस डायग्राम में ये चीज क्लियर हो गया है कि एफ बी डी और एफ सी ए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। और चूंकि एफ बी डी एफ सी बी का और एफ सी डी का रिजल्टेंट है इसलिए अब इन दोनों फोर्सेस का हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया है। तो अब हमारे पास मात्र दो फोर्सेस रह गए, एक एफ बी डी और एक एफ सी ए। तो इन दोनों फोर्सेस का अब हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। तो चूंकि ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं इस कारण से इनका रिजल्टेंट निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है और हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल्स टू एफ बी डी प्लस एफ सी ए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। गाइज अब पॉइंट आता है कि हम एफ बी डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ बी डी का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा और एफ सी ए का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ बी डी निकालने का कोशिश करते हैं। तो एफ बी डी जैसा कि हमें पता है वो रिजल्टेंट है एफ सी डी और सी बी का, तो इनका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का के फॉर्मूला पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो इट इज एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं
अंडर रूट टू एफ सी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ सी बी रूट अंडर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। एज एफ बी डी तो आ गया हमारा, अब हमारा नेक्स्ट काम है एफ सी ए निकालना। एफ सी ए जो फोर्स है वो सी पे ए पे रखे हुए चार्ज क्यू के कारण है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो गाइस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, और हमें पता है कि एक स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो ए रूट अंडर टू होगा। तो इस तरीके से वो हम लोग एफ सी ए लिखेंगे। सो इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वन बाई टू, इक्वेशन नंबर फोर। गाइज अब इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर इन दोनों का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, इस इक्वेशन में कर लेंगे। एफ सी इक्वल टू एफ बी डी प्लस एफ सी ए जो कि इक्वल टू हो जाएगा एफ सी बी रूट टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वन बाई टू। हालांकि एफ सी बी वी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। एफ सी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई सी बी को लिख रहे हैं हम लोग के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं एफ सी बी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वन बाई टू। तो ये एफ सी विल बी इक्वल टू के, तो यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट रूट टू प्लस वन बाई टू। तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया जो चार्ज क्यू पे लग रहा है, और कितने डिग्री पे लगेगा, इट विल एक्ट एट 45 डिग्री। ओके थैंक यू गाइस। तो हम लोग थ्री चार्ज सिस्टम पे भी देखिए, फोर चार्जेस के सिस्टम पे भी देखिए। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो गाइस यहां पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, देयर आर टू चार्जेस Q1 4 मिली कूलम एंड Q2 6 माइक्रो कूलम एट कोऑर्डिनेट्स 4,10 एंड 7,6 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मींस हमें फोर्स निकालना है चार्ज Q2 पे ड्यू टू Q1। गिवन है Q1 4 मिली कूलम दैट मींस 4×10⁻³ कूलम एंड Q2 6 माइक्रो कूलम दैट इज 6×10⁻⁶ कूलम एंड देयर कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो गिवन। तो जो Q1 का कोऑर्डिनेट है उसका नाम हम लोग अगर R1 दे तो R1 लिखा जाएगा 4i + 10j। उसी तरीके से Q2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा R2 दैट इज 7i + 6j। तो गाइस कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं F21 इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू R21 कैप, या F21 वेक्टर इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इनटू R21 वेक्टर। तो गाइस जो भी हो, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करें, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें या फिर ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों से जो भी फॉर्मूला यूज करें, हम लोगों को R21 निकालना ही पड़ेगा। तो R21 कैसे निकलेगा हमारा, R2 माइनस R1। R2 हमारा है 7i प्लस 6j और R1 है हमारा 4i प्लस 10j। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर इज गिवन बाय अंडर रूट 3a² प्लस माइनस 4a², इट इज इक्वल टू, सो फाइनली ये मैग्नीट्यूड हमारा 5 यूनिट्स है, जैसे द यूनिट इज मीटर। तो ये जो मैग्नीट्यूड आया R21 वो मेरा 5 यूनिट है, 5 मीटर है, अगर मेरा यूनिट अभी मीटर है तो। अब या तो हम लोग R21 कैप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, या फिर कंप्लीट वेक्टर का यूज करेंगे। तो गाइज हमारे पास कंप्लीट R21 वेक्टर निकला हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, और अभी फिलहाल हम लोग यही यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आप लोगों को यूनिट वेक्टर जो है R21 कैप वो भी निकालना बताएंगे। तो गाइज अगर यूनिट वेक्टर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। द R21 वेक्टर इज 3i माइनस 4j अपॉन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21, तो दैट इज 5, हियर इट इज। तो इस हिसाब से R21 कैप हमारा हो जाएगा 3/5i माइनस 4/5j। गाइस यहां पे ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं है। तो चलिए एक बार चेक कर लें इसे।
थ्री आई के साथ जो मैग्नीट्यूड जुड़ा हुआ है वो 3/5 है, और जे के साथ जो मैग्नीट्यूड जुड़ा है दैट इज 4/5। तो इसका अगर हम इस R21 कैप का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल ले जाएं तो उसके लिए हमें करना होगा अंडर रूट 3/5 स्क्वायर प्लस माइनस 4/5 का स्क्वायर रूट ओवर, ये इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। दिस इज 9/25 एंड दिस इज 16/25 रूट ओवर। गाइज यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये 25/25 का रूट आ रहा है, कट के 1 हो जाएगा और √1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और यही यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और डायरेक्शन तो दे ही रहा है क्योंकि इसके पास क्या है, आई कैप और जे कैप है। तो गाइज हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं F21। तो F21 इज इक्वल टू KQ1Q2 बाय R21 का स्क्वायर इनटू R21 कैप, जो कि बराबर होगा K का वैल्यू 9 × 10^9, Q1 4 मिली कूलम तो 10^-3, और Q2 6 माइक्रो कूलम तो 6 × 10^-6 अपॉन R स्क्वायर। तो R कितना है हमारा, R21 गाइस यहां पे देखिए R21 है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और R21 कैप है हमारा 3/5 आई कैप माइनस 4/5। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे F21 वेक्टर इक्वल्स टू 216/25 इनटू 3 अपॉन 5 जे कैप। ये 10^9 कट जाएगा 10^-3 और 10^-6 से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस यूनिट वेक्टर में डिनोमीटर में दोनों ही टर्म में 5 है, तो इसको हम लोग कॉमन लेके बाहर आ सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे 216 बाय 25 इंटू 5 125 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो गाइज ये जो हम लोगों ने फोर्स निकाला है वो यूनिट वेक्टर के हेल्प से निकाला है। अब अगर हम लोग मेन कंप्लीट R21 वेक्टर के हेल्प से निकालना चाहें, यहाँ से निकालना चाहें, तो वो भी निकाल सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में R21 का स्क्वायर था, यहाँ डिनोमिनेटर में R21 का क्यूब है, यहाँ पे R21 कैप था और यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट R21 वेक्टर है। तो R21 वेक्टर कितना हमारा, 3i-4j। तो चलिए गाइस उसको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट वेक्टर का यूज करके, दोनों से ही सेम आंसर आना चाहिए हमारा। सो F21 इक्वल्स टू KQ1Q2 अपॉन R21Q इंटू R21 वेक्टर। गाइस सबका वैल्यू रखते जाते हैं हम लोग, K 9 × 10^9, Q1 4 × 10^-3, Q2 6 × 10^-6 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड 5 था, तो 5 का क्यूब और यहाँ पे R21 वेक्टर मीन्स 3i-4j। ये हमारा R21 वेक्टर। गाइज 10^9 कट जाएगा 10^-3, 10^-6 है फिर से, और यहाँ पे 9 × 4 × 6 216, 5 का क्यूब 125, और ये सिंपल R21 वेक्टर है जो कि 3i-4j। तो ये हो गया हमारा F21 वेक्टर। गाइज दोनों ही मेथड से सेम आंसर आना चाहिए था, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो F21 आया और ऊपर में जो F21 है दोनों का वैल्यू सेम है। ये भी 216/125 अंडर ब्रैकेट 3i-4j है, और ये भी 216/125 अंडर ब्रैकेट 3i-4j है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस है उसके क्यूब से डिवाइड करना पड़ रहा है, और अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। तो एनी हाउ दोनों ही केस में जो फोर्स है हमारा F21 वो डिस्टेंस के स्क्वायर के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे देख के कि ये आपका, यहाँ पे देख के कि ये आपका क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में भी R21 वेक्टर है, तो इस R21 वेक्टर में भी इसका एक R21 का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर जो R21 का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ के एक R21 के मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का एक R21 का मैग्नीट्यूड जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी जो बचेगा वो सिर्फ स्क्वायर बचेगा। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग फाइनली यही देख पा रहे हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R21 का स्क्वायर। तो फोर्स कूलम्स फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी
क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी देख लिया है। तो थैंक यू गाइज, ये था हमारा अब तक का जो भी लेक्चर था उसका रिविजन। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन सभी का हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन किया है, और अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। थैंक यू फॉर टुडे।